हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी। अगर आप लोगों को चिकन खाना पसंद है तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब हम चिकन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम ये चिकन करी प्रेशर कुकर में बनाएंगे। हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें करीब एक कप ऑयल लेंगे। चिकन हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा अच्छा बनता है। उसमें तेज पत्ता डालेंगे, कुछ खड़े मसाले जैसे जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची डालेंगे। उनको अच्छे से चला लेंगे। जब ये खड़े मसाले भून जाएं, फिर उसमें हम प्याज डालेंगे। करीब आधा किलो प्याज मैंने एक किलो चिकन के लिए लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग प्याज को घटा और बढ़ा सकते हैं। बस अगर आप प्याज ज़्यादा डालते हैं तो आप मिर्च थोड़ी ज़्यादा कर दीजिएगा, नहीं तो चिकन थोड़ा सादा हो जाएगा। फिर प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाते और हल्के ब्राउनिश नहीं हो जाते हैं। हम जितना अच्छा प्याज भूनेंगे हमारा चिकन उतना ही अच्छा बनेगा। इस प्याज को करीब 15 मिनट मैंने मीडियम आंच पर भूना है। हमको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है और प्याज को मीडियम आंच पर भूनना है। जब तक प्याज भूने तब तक हम दूसरी तरफ मसालों की तैयारी कर लेते हैं। मिक्सर लेंगे, उसमें लहसुन डालेंगे, थोड़ी अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर दो मीडियम साइज के टमाटर लेंगे और उनको भी मिक्सर में ग्राइंड कर प्यूरी बना लेंगे। प्याज भी अब लगभग भून चुका है। उसको थोड़ा अभी हम और भूनेंगे। अब हम मसालों को भिगा लेंगे। आधा चम्मच हल्दी लेंगे, करीब 2 चम्मच पिसी धनिया लेंगे और 2 चम्मच चिकन मसाला लेंगे। और उसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसको पानी में डालकर भिगा देंगे। भीगे हुए मसालों का अपना एक अलग ही टेस्ट आता है। अगर हम मसालों को थोड़ी देर भिगा के फिर डालते हैं करी में तो करी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हम मसालों को अच्छे से पानी में भिगा लेंगे कि जब तक हमारा प्याज भुने तब तक ये मसाले अच्छे से भून जाए। अब हमारा प्याज लगभग भून चुका है और ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी किया था और हरी मिर्च का, उसको डालेंगे और फिर उसको अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा ये पेस्ट अच्छे से भून चुका है।
अब इसमें हम दो प्याजा मसाला डालेंगे। दो प्याजा मसाले की रेसिपी मैं किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगी। ये खड़े मसालों से बनती है। हम अच्छे से उसको भून लेंगे पेस्ट को और दो प्याजा मसाले को। फिर उसके बाद हमने जो मसाले भिगाए थे उन मसालों को डालेंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। हमको चिकन धीमी आंच पे ही पकाना है। हम इसको जितनी देर भूनेंगे मसाले को, हमारी करी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब इसमें हमने जो टमाटर प्यूरी रेडी की थी वो डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे और उसको भी भूनेंगे। जब मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इनमें हम चिकन के पीसेस को डालेंगे, उसको भून लेंगे अच्छे से और एकदम धीमी आंच पर हम चिकन को पकाएंगे। उसको मसाले अच्छे से मिक्स करके चिकन में और उसको पकने के लिए ढक देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो चिकन ने पानी छोड़ दिया है। हम चिकन को ढककर ही पकाएंगे, इससे हमारे चिकन थोड़े जूसी रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे चिकन को चलाते रहें। अब चिकन को ढक दीजिए और बीच बीच में उसको चेक करते रहिए। जब चिकन भूनकर गल जाए और तेल छोड़ दे, वो हमें पता चल जाता है चिकन ने तेल छोड़ दिया होता है। ये देखिए चिकन हमारा भूनकर रेडी हो चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम ग्रेवी लगाएंगे। हम जैसी ग्रेवी पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा, उस अकॉर्डिंग ग्रेवी लगाएंगे। फिर उसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर चिकन को थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब हमारा चिकन रेडी हो चुका है। इसको हरी धनिया से हम गार्निश करेंगे। 1 किलो चिकन बनाने में करीब मुझे 1 घंटे लग गए थे। चिकन को हमेशा धीमी आंच पर ही पकाइए, तभी ये अच्छा बनेगा। अगर आपको मेरी चिकन करी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Joke about the half-cut Asian metaphor and lady made her cry. Well, what's been changing?